है दोनों 12 वोल्ट चेजर, दोनों ही 12 वोल्ट चेजर। ये है वो है 14 पोर्ट का, यह है 16 पोर्ट का 12 वोल्ट चेजर। और ये चेजर में आप एक्सटर्नल फ्लैश भी यूज कर सकता है, और डिजाइन एक्सटर्नल फ्लैश में भी रख सकता है और आईसी का अंदर भी रह सकता है, और चाहे तो दोनों यूज कर सकता है। सिर्फ आईसी में, आईसी का अंदर भी रख सकता है डिजाइन, और फ्लैश का अंदर भी रह सकता है अलग से, तो दोनों भी यूज कर सकता है। और ये वाला में सिर्फ आईसी का अंदर डिजाइन है, आईसी का अंदर डिजाइन है, क्यों ना एक्सटर्नल फ्लैश इसमें नहीं है। और स्पीड कंट्रोल इसमें हो सकता है, एपिसेट से स्पीड कंट्रोल होगा, और ये स्लो स्लो पोर्ट के लिए इससे स्पीड कंट्रोल होगा। और ये जो है डीएमएक्स सिंक करने के लिए, बहुत सारा कार्ड को सिंक करने के लिए। ये वाला है, ये जो स्विच है, ये वाला आपका आप यूज करेंगे स्लेब चूज करने के लिए। तो स्लेब जब चूज करेंगे, ये स्लेब में लगाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मास्टर पे लगाने से होगा। क्यों ना ये जो सेटिंग आप इधर में करेंगे वो स्लेब में ट्रांसफर हो जाएगा, इसीलिए स्लेब में लगाना जरूरी नहीं है, मैंने लगाना नहीं पड़ेगा। और ये वाला भी स्लेब में नहीं लगाना पड़ेगा, तब आप लगा सकता है। फायदा एक है, ये वाला सिर्फ, ये वाला नहीं बोल रहा हूँ, ये वाला लगा सकता है। इससे बोल रहा हूँ, जब आप स्लेब यूज करेंगे तो स्लेब में क्या होता है, जब मास्टर कार्ड देंगे उसका सब कनेक्शन मास्टर के साथ स्लेब का कनेक्शन कट जाएगा, तब स्लेब बंद हो जाता है। वही सब स्लेब जब सिंक नहीं रहेगा, स्लेब बंद हो जाता है। किंतु लेकिन मेरा वाला में वही नहीं होगा, जब स्लेब का कनेक्शन कट जाएगा वो ऑटोमेटिक मास्टर बन जाएगा। भाई साहब स्लेब मास्टर भी यूज कर सकता है, और स्लेब मास्टर भी बन सकता है, स्लेब भी बन सकता है। स्लेब बनेगा मास्टर जब उसको ये करेगा, सिलेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा, तो अभी वो स्लेब बन जाएगा। और जब स्लेब कनेक्शन काट जाएगा, मतलब ये सिंक नहीं होगा, इंफॉर्मेशन नहीं भेजेगा, तब तो वो मास्टर बन जाएगा, स्लेब मास्टर बन जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया। और इसका अंदर डिजाइन मैं एक ऐप दे दूंगा, जिसको जरूरत है वह ऐप दे दूंगा, वो ऐप से आप डिजाइन बना के इसका अंदर घुसा सकता है, यही वाला एक्सटर्नल फ्लैश में रख सकता है। अच्छा गया। और आप यदि चाहते हैं जी, ये वाला यूज करेंगे 44 पोर्ट के लिए, ये तो 16 पोर्ट का है ना, ये 14 पोर्ट का है, 14 पोर्ट्स का है, तो 14 पोर्ट, ये है 16 पोर्ट। ये यदि चाहता है 24 पोर्ट तक तो हो सकता है, ऐसे नहीं है 24 पोर्ट दिया हुआ है, इसका मीनिंग नहीं 24 पोर्ट यूज करना पड़ेगा। आप चाहे तो 5 यूज कर सकता है, 7 यूज कर सकता है, 10 यूज कर सकता है, 20 यूज कर सकता है, 20 24 यूज कर सकता है, आपका मर्जी हुई सब। तो इसमें व्यवस्था है अप टू 24 पोर्ट तक आप यूज कर पाएंगे। इसमें फैसिलिटी है दो, आप पिक्सल नॉर्मल जो पिक्सल एलईडी है 8 GB पिक्सल वो भी यूज कर पाएंगे, और 12 वोल्ट का पिक्सल जो सिंगल कलर का है वो भी यूज कर पाएंगे। ये 5 वोल्ट का पिक्सल भी चलेगा वाईफाई से, और 12 वोल्ट का पिक्सल भी चलेगा। 5 वोल्ट का जो पिक्सल है, आप तो 8 GB में, तो 8 GB में मिलता है, आप तो पहले यूज करते थे, तो ये वाला उसमें यूज होता है, यूज करता था मैं, अभी इसका अंदर हम 12 वोल्ट चेजर भी ऐड कर दिया। ये यदि 24 पोर्ट का जरूरत है तो ये वाला लीजिए, इस पे वाईफाई से काम करेगा, ये स्विच वगैरह जरूरत नहीं है, ये आप ऐप से कंट्रोल कर पाएंगे, जो जो स्पीड वगैरह जो जो जरूरत है वो स्पीड से ऐप से कंट्रोल कर पाएंगे। आप यदि ज़्यादा यदि लेना चाहते हैं 40 पोर्ट का, ये 40 पोर्ट तक हो सकता है, ऐसे नहीं है 40 पोर्ट का ही, आप यदि 30 पोर्ट करेंगे, 32 करेंगे, जो चाहिए हो आप कर सकता है, तो इसको 40 पोर्ट तक इसको फैसिलिटी है। ये भी 3 फैसिलिटी, एक है नॉर्मल जो 8 GB पिक्सल है वो भी चला पाएंगे, उसके साथ नया हम 12 वोल्ट चेजर भी ऐड कर दिया, और इसमें भी वाईफाई भी रहेगा। और एक बात बोल रहा हूँ भाई साहब, ये वाला आप यदि चाहता है 40 40 80, ये सिंक होता है, हम वीडियो छोड़ा पहले इसमें सिंक, आप यूट्यूब में देख लीजिएगा, तो ये आप 2 3 5 7 ऐड कर सकता है, सिंक कर सकता है, ये भी आप सिंक कर सकता है, ये वीडियो है पहले, भाई साहब देख लीजिएगा इंटरनेट पे यूट्यूब में।
तो ये भी आम्प एक नहीं है, आप चाहे तो 10 सिंक कर सकता है सभी वाला 24 वोल्ट। तो ये है, और ये तो बहुत सारा डिजाइन रहता है, बहुत सारा, कम से कम हम बोल रहा हो लगभग, एक्चुअली है तो आपको 60 तो होगा ही, किंतु आप यदि घाटा देंगे आसपास बोलेंगे तब भी ये 40 तक तो जाएगा ही जाएगा, इतना डिजाइन है भाई साहब। और 60 तो मिनिमम होगा, 60-60 डिजाइन इसमें है। ये जो 16 वोल्ट का है वो भी 16 वोल्ट का है, 16 वोल्ट का है। तो जिसको जरूरत है, हेक्स का जरूरत है या ऐप का जरूरत है, बोल लीजिएगा, बोलिएगा, हम जरूर आपका साथ सहायता सहयोगिता करेंगे। इसमें बहुत सारा डिजाइन है, और कीमत यदि आप जानना चाहता है वो वाला 550 रुपया 14 वोल्ट का, 16 वोल्ट का 650 रुपया, ये वाला भी 650 रुपया, और ये वाला 900 रुपया, ये 40 वोल्ट का, 40 वोल्ट का 900 रुपया, 24 वोल्ट तक है 650, ये भी 16 वोल्ट का ये भी 650 मैंने 650 रुपीज़, और ये 550 रुपया। अरे भैया 12 वोल्ट से चल रहा है भाई साहब, और ये तो आप सिंक कर पाएंगे भाई साहब, ये आप कम से कम 16 कार्ड आप सिंक कर पाएंगे ए आई सी से। ये है मैक्स आई सी, डी मैक्स आई सी आप ए पोर्ट है, ए वी पोर्ट है, ए वी पोर्ट से सिंक कर पाएंगे। और ये वाला हम लगा के रखा हुआ है भाई साहब, इसीलिए जी ये वाला है ना, आप 595 आई सी है, इससे भी चला पाएंगे। ऐसे भी आप यदि चाहते हैं आप जोड़ते रहिए, आप 40, 50, 20 जो चाहिए, एक आई सी में 8 होता है, तो ऐसे करके जितना जोड़ेंगे उतना आउटपुट मिलेगा भाई साहब। ये आई सी लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर देख लीजिएगा, ट्रांजिस्टर लगा हुआ, ट्रांजिस्टर से आउटपुट मिलता है, तो इसे भी आप कर पाएंगे। तो ये वाला जब करेंगे तो इधर से आपको आउटपुट लेना है, इधर से आउटपुट लेना। ये इसको वीडियो छोड़ूंगा भाई साहब, जो जो नहीं देखा रहा हो उसका वीडियो हम दोबारा तैयार करके पूरा सेट और पीसी भी तैयार हो रहा है, और नेक्स्ट हम वीडियो छोड़ूंगा, और तो इसका बारे में कम से कम 2-3 वीडियो और छोड़ना पड़ेगा भाई साहब। तो आज इस तक, थैंक यू भाई साहब, आप लोगों का धन्यवाद।